सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। तो दोस्तों आज हम करेंगे ई कॉमर्स, ठीक है, और ये बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग और बीए प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हैं। फोर्थ सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर में भी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ दोनों दिख रहा है और यहाँ पर आपके कोर्सेज़ के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बुक मैंने डाउनलोड किया है SOL की वेबसाइट से, वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है लेकिन SOL की वेबसाइट पे आप देखोगे सही से तो वहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल है। इसमें पहला यूनिट है ई कॉमर्स, ठीक है। तो चलते हैं पहला यूनिट पर, ई कॉमर्स पर। तो इसके पहले यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई कॉमर्स, ड्राइविंग फोर्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, मैकेनिज्म डायनेमिक और डिजाइन एंड लॉन्च ऑफ ई कॉमर्स, आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है कि आपको ई कॉमर्स इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम सबको माइंड में एक चीज आएगा, ई कॉमर्स है क्या, तो बहुत सारे बच्चों को ई कॉमर्स पता होगा, बहुत सारे बच्चों को ई कॉमर्स नहीं पता होगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल यूजेस, ठीक है, जो कि फंड वगैरह ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ई कॉमर्स यहाँ पे बहुत सारे प्रस्पेक्टिव पे काम करता है, ये देख सकते हो। इसके प्रस्पेक्टिव क्या है आप लोग देख लीजिए, कम्युनिकेशन प्रस्पेक्टिव है, बिजनेस प्रस्पेक्टिव है, सर्विस प्रस्पेक्टिव है, कमर्शियल यानी कि ट्रेंडिंग प्रस्पेक्टिव है, लर्निंग प्रस्पेक्टिव और कोलैबोरेटिव और कम्युनिटी प्रस्पेक्टिव। इसमें ई कॉमर्स हैज ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूस होलसेल एंड बिग रिटेलर्स स्मॉल एंटरप्राइज। ई कॉमर्स दोस्तों जो अभी नया अपॉर्चुनिटी आया है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा किफ़ायती यानी कि फ़ायदेमंद साबित होता है। अब यहाँ पे ई कॉमर्स की डेफिनेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि ई कॉमर्स होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज ई कॉमर्स और उसके ई कॉमर्स के प्रस्पेक्टिव क्या होता है। तो मैंने प्रस्पेक्टिव आपको ऊपर बता दिया है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। नीचे चलेंगे ड्राइविंग फोर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ड्राइविंग फोर्स क्या क्या होता है, यहाँ पे 5 ड्राइव्स डेट प्रमोट ई कॉमर्स, ठीक है, 5 होते हैं। पहला है डिजिटल, दूसरा है यूबिक्विटी, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन डेस्टिनिटी और पर्सनलाइजेशन, ठीक है। ये 5 है, 5 याद कर लीजिए। 5 के बारे में डेफिनेशन मुश्किल से पूछते हैं, अगर पूछते भी हैं तो आप लोग उसको पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो थोड़ा सा लेंदी नहीं लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर होता है ई कॉमर्स में। कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस टूल, बिजनेस मॉडल के जो कैटेगरी होते हैं ई कॉमर्स के ये पूछे जाते हैं, ठीक है। B2B, B2C, C2B, C2C, B2G, ये कितने कैटेगरी हो गए, 5, ठीक है। तो 5 मॉडल है, बिजनेस मॉडल कितने हैं ई कॉमर्स के, 5। तो B2B में क्या है, कंपनीज कैन कम्युनिकेट एंड क्विकली चेक देयर सप्लाईज। तो B2B में क्या है कि कंपनी जो होते हैं जो सप्लाई करते हैं तो उसको चेक करते हैं, ठीक है। B2C में क्या, सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑफ टू कस्टमर, यानी कि जो हम बेचते हैं उस पर ध्यान देना होता है कि गुड्स जो सर्विस टैक्स लग रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन के बारे में डिफाइन करता है B2C। उसका C2B में ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई चैन, तो ये सप्लाई चैन है, डिमांड कलेक्शन मॉडल के ऊपर काम करता है। C2C में क्या है कि C2C ई कॉमर्स है, जो कि अननोन जो पार्टी होती है जो सामान बेचते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। इसके बाद है मैकेनिज्म डायनेमिक ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स, यानी कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड जो मैकेनिज्म है ई कॉमर्स का वो किस तरीके से वेब के थ्रू फैला है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क के थ्रू ई कॉमर्स फैला था। फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के फ्रेमवर्क देख लीजिए आप लोग, बिजनेस के लिए यूज होता है कॉमन बिजनेस सर्विस यानी कि CBS, उसके बाद मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, उसके बाद मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए होता है, नेटवर्किंग के लिए होता है और इन्फॉर्मेशन सर्विस, TV वगैरह, टेलीकॉम, वायरलेस, इंटरनेट, इन सब के लिए ई कॉमर्स यूज किए जाते हैं। डिजाइन एंड लॉन्च ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट के लॉन्च होने का क्या क्या जो मतलब कि जो डिजाइनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट के लिए होता है, ठीक है, अगर कोई कंपनी पेमेंट अगर लेना चाहती है तो ई कॉमर्स थ्रू के लेगी यानी कि EFT के थ्रू लेगी। टाइम, यहाँ पे टाइम की 24 घंटा अवेलेबल होता है। कॉस्ट, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इंटीग्रेशन, ईजी इंटीग्रेशन यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, डेबिट और क्रेडिट से आप लोग कर सकते हो। स्केलेबिलिटी ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में है। कस्टमाइजेशन में
जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, यूजर पे करता है कुछ चीज़ खरीदता है या फिर डील टू डील कंपनी करती है, तो यहाँ पे यूजर्स होते हैं। चैलेंजेस, अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस है। डील्स एंड योर कंपनी मेक्स टू वारंटी ऑफ द क्वालिटी। अब जब क्वालिटी की किसी भी वस्तु की क्वालिटी होगी वो भी रजिस्ट्रेशन पे होंगे, ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन में आ जाएगा और चैलेंजेस में भी आ जाएगा। प्लेटफॉर्म, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, ईमेल सपोर्ट एंड फ़ोन सपोर्ट, इसके ईमेल सपोर्ट एंड फ़ोन सपोर्ट्स के थ्रू जो प्लेटफॉर्म है वो होंगे। हार्डवेयर क्या है इसमें, इसमें हार्डवेयर है सर्वर इनका जो कि 24/7 यूजेस होते हैं। फास्ट एक्सेस डाटा होता है जो कि कहीं से कहीं तक ट्रांसफ़र हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर में क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, तो ये सब आप लोग याद कर लेना, मंत्रा, जियो मार्ट, ये सब है। आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ ए वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग, इन हाउस डेवलपमेंट, ये आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें आउटसोर्सिंग क्या होती है और इन हाउस डेवलपमेंट क्या होता है। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट सबको पता है कि ठीक है वेबसाइट हम डेवलप करते हैं, लेकिन इसमें आउटसोर्सिंग होता है, इन हाउस डेवलपमेंट भी होता है। तो ये जो चैप्टर है बिल्कुल समाप्त हो गया। पहला चैप्टर बहुत ईजी है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इसकी समरी है। समरी में EFT आप लोग ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो कि ई कॉमर्स के थ्रू होता है, और टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेयर्स जो कि इंटरचेंज जो कि EDI के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे मिसमैच है, और नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिफाइन ई कॉमर्स, ड्राइविंग फोर्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल क्या क्या है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। डिजाइन एंड लॉन्च ऑफ ई कॉमर्स, ये भी मैंने ऊपर बताया है। आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस वेबसाइट, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, ये रहा आउटसोर्सिंग, इन हाउस डेवलपमेंट, ये दोनों आंसर्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सेकेंड इसका जो लेसन वन है इसका, ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन हम बिजनेस को ट्रांजैक्शन करते हैं ये उसके रिलायबल हैं। आजकल सभी बच्चे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, इन सभी के थ्रू, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलायबल होता है। तो ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ आपको होता है, B2C, B2B, C2B, ठीक है, ये चार यूज होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे या फिर ई कॉमर्स ऐप पे। अब यहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे कैसे होता है, पहले हम ऑर्डरिंग करते हैं, उसका सर्विस एंड सपोर्ट होता है, उसके बाद आपको पेमेंट के थ्रू, जो मेजर B2C कॉमर्स होता है उसके थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑक्शन, इंटरनेट पे ऑक्शन होता है, उसके एडवांटेज होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है किस तरीके से क्या क्या एडवांटेज होता है इंटरनेट ऑक्शन के। ये टॉपिक क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, तो ये आप भी पढ़ लेना, ठीक है। इसी के नीचे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठा के पूछा जाएगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखना। और ये जो PDF है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, SOL अपडेट T1, ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम है, SOL अपडेट 1, आप लोग जाइए सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ये PDF आपको वहाँ पे पिन करके मिलेगा। उसका बैंकिंग में NEFT आ जाता है, RTGS आ जाता है। NEFT में क्या होता है कि कोई कोई जो बड़ी डिमांड्स होते हैं 1-2 लाख RBI के थ्रू, तो वो सब ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी ई कॉमर्स में ही आता है, ठीक है। NEFT का क्या क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि बहुत सी चीज़ें, बहुत जो बड़ी बड़ी रकम होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है, क्रेडिट अमाउंट होता है, डेबिट अमाउंट होता है, तो सब कुछ इसमें होता है। RTGS का क्या होता है, स्टैंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि कोई कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होता है NEFT और RTGS से ही अपना जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम, मोबीक्विक, जियो कैश, नेफ्ट और RTGS अवेलेबल होते हैं, इन सभी के थ्रू ही जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है, ट्रेडिशनल जो पेमेंट सिस्टम है, एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रीवियस में भी पूछा गया था जब ऑनलाइन एग्जाम होता था, तो ई कॉमर्स में एक क्वेश्चन था कि किस तरीके से जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसमें पेमेंट लैक होता है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है ट्रेडिशनल पेमेंट में एज कम्पेयर टू पहले के पेमेंट में, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। ये जो है ना प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम, ये आप लोग पढ़ लेना, लैक ऑफ कन्वेंस, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ कवरेज, लैक ऑफ एलिजिबिलिटी, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ माइक्रो ट्रांजेक्शन, ये आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यही इसके आंसर हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यानी कि EPS, ठीक है, इसमें सिस्टम में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है जो कि गोल होता है 01 देयर डेवलपमेंट टू क्रिएट एंड लॉग आउट एंड चेक एंड केस ऑन द इंटरनेट।
इसमें आपको जो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें चेकआउट होता है 01 पे, और कैश वगैरह जो चेकआउट होते हैं पैसे हुए। फीचर्स ऑफ ईपीएस, ईपीएस के फीचर्स आप लोग याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ईपीएस के फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज और फीचर्स पूछेगा तो यही लिख देना, ठीक है। चार फीचर्स हैं इनके, चार एडवांटेज हैं, वो लिख देना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के टाइप कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, ये याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैश की क्वालिटी क्या क्या है, यानी कि एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज याद कर लेना। प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटल कैश, डिजिटल कैश के कितने प्रॉपर्टी हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चेक है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक के क्या क्या बेनिफिट हैं, ये आप लोग याद कर लेना, इसके ये भी बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड तो आपको सबको पता है, ठीक है, और हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क, क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसमें एक पासवर्ड होता है, मर्चेंट आईडी होती है, अकाउंट नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, अमाउंट होता है, और कस्टमर बिलिंग डाटा होती है, ठीक है। इन सभी चीज़ पे जो क्रेडिट कार्ड है वे वर्क करता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना। ये आपको नॉर्मली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। उसका डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी कैसे यूज होता है, सेम कंडीशन होता है इनका भी, ठीक है। जो जो चीज़ मैंने ऊपर बताया है क्रेडिट कार्ड के लिए, वही सेम कंडीशन होते हैं डेबिट कार्ड के लिए। दोनों में जो सिमिलरिटी है वो बस अमाउंट का होता है, ठीक है, कि आप लोग जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें पहले यूज करते हो बाद में पे करते हो, डेबिट कार्ड में पहले अकाउंट में रहना चाहिए उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसे कुछ कंपोनेंट हैं डेबिट कार्ड के, साइन, ट्रांजेक्शन स्क्रीन, कार्ड रीडर, स्लिप प्रिंटर, ऑडियो पोर्ट, कैसल ऑप्शन, ये सब आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये आपका एटीएम का मशीन है, एटीएम मशीन में आप लोग देख सकते हो, रिसिप्ट प्रिंटर होता है, कार्ड रीडर होता है, ऑडियो पोर्ट होता है, कैसल ऑप्शन होते हैं, ये सब कुछ होता है एटीएम मशीन में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के एडवांटेज क्या क्या है पढ़ लेना। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के क्या है ये भी एडवांटेज आपको पढ़ना है, तो इस एडवांटेज को भी पढ़ लेना, ठीक है। इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, वही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं और से नहीं बनते हैं, वो बुक्स में से ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बुक्स में से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बुक्स में से होते हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो बुक में से ही होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इन ईपीएस में क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और नीचे उतना ऑपरेशन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ये तो लीगल रिस्क, ये क्रेडिट रिस्क जो होता है ये पढ़ लेना, ये जरूर आता है एग्जाम में। और नीचे जाएंगे हम तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में आपको ध्यान से ये समरी है, समरी भी आपको पढ़ लोगे तो भी आपको चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। ये रहा आपका 2, 4, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। इसमें से सबसे लास्ट वाला को जो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। और ये भी है 4th नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, व्हाट इज ई कॉमर्स बैंकिंग कर देंगे, वो सेम होता है इंटरनेट बैंकिंग और ई कॉमर्स बैंकिंग, तो इसको ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको याद करना, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बने रहना हमारे साथ। इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे बार बार, वो क्वेश्चन मैं जरूर से जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ वेट करना थोड़ा सा। और ये जो सेशन है एंड नहीं हुआ है, और भी इसके आगे वीडियोज वगैरह आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ वेट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना और बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेना।